साथियों आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग UPPCS 2022 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा जून 2022 में होनी है उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और आज के दिन जो टेस्ट हम लोग देखेंगे या GS वर्ल्ड कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर देखेंगे। ये जो प्रश्न लिए गए हैं ये आपके जनरल साइंस से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर संकलित किया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि रेडियो तरंगों के माध्यम से आने वाले हवाई जहाज की दिशा और सीमा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इससे ये जो है इसके लिए राडार का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? राडार का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा या से ध्वनि के बहुपरावर्तन का उपयोग है या है? तो मेगाफोन या लाउड हिलर या हॉर्न तथा स्टेथोस्कोप, इसमें जो है बहुपरावर्तन का उपयोग होता है, ध्वनि के बहुपरावर्तन का उपयोग होता है। तो पहला और दूसरा अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाता है तो उसका वेग क्या हो जाएगा? विरल से सघन में जाएगा तो वेग में कमी होगी, और वेग में जब कमी होती है तो इसी के समानुपाती तरंग दैर्ध्य होता है। तो जैसे जैसे वेग में कमी होगी वैसे ही आपके तरंग दैर्ध्य में भी कमी होती है। तो यहाँ पर वेग में कमी तथा तरंग दैर्ध्य में, दोनों तरंग दैर्ध्य में भी कमी होती है, इसलिए डी ऑप्शन बी और सी दोनों में परिवर्तन होगा, मतलब दोनों चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी। अगला प्रश्न है, कथन कारण का प्रश्न है। कथन है कि कुछ संचारी रोग बूंदों के माध्यम से फैलते हैं। सही बात है। कारण, लार की बूंदों और नेफ्रोजिली स्त्राव में लाखों बैक्टीरिया और वायरस हो सकते हैं। तो कथन कारण यहाँ पे दोनों सही हैं और ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, कथन कारण का ही प्रश्न है। कथन है कि क्षय रोग या TB एक जीवाणु रोग है। कारण, क्षय रोग मुख्य रूप से छोटी बूंद के संक्रमण से फैलता है। तो कथन कारण दोनों सही हैं अपनी जगह पर, परंतु ये व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जो TB या क्षय रोग है यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण या जीवाणु कारण यह फैलता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कथन कारण का प्रश्न है। कथन है, जीवाणु संक्रमण के इलाज या रोकथाम के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है। सही बात है, क्योंकि जो एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक होते हैं जीवाणु की वृद्धि को रोकता है। कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, पनडुब्बियों में समुद्र या जमीन की सतह पर वस्तु का या वस्तु को स्पष्ट या का स्पष्ट दृश्य देने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है पेरीस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीस्कोप कहते हैं। ए ऑप्शन, दाब के प्रति संवेदनशीलता संपीड्यता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो है पीजो मीटर का इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगला प्रश्न है, तरल पेट्रोलियम गैस LPG के मुख्य घटक कौन से हैं? तो इसके मुख्य घटक में इथेन प्रोपेन और ब्यूटेन आते हैं। इथेन प्रोपेन और ब्यूटेन आते हैं, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियों को प्राप्त करने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करता है? अल्ट्रासाउंड स्कैनर जो है अल्ट्रासोनिक तरंगों का इस्तेमाल करता है या उपयोग करता है। अगला है, चूना पत्थर एक कच्चा माल है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग द्वारा किया जाता है? तो सीमेंट उद्योग द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं, फिनोल का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो बैक के लाइट के निर्माण में इसका इस्तेमाल होता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? इसमें जो है डायनेमो का इस्तेमाल करते हैं। डायनेमो जो होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। आगे चलते हैं, यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाना चाहता है तो आप निम्नलिखित में से किसे सलाह देंगे, मतलब किस चीज़ की सलाह देंगे? तो धूम्रपान बंद करने की और ओमेगा 3 फैटी एसिड के सेवन को करने की, जबकि आहार में ट्रांस फैटी एसिड का उपयोग बढ़ाने की सलाह नहीं देंगे। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा सही है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रिंट अर्थात नॉन वेटिंग टेम्पलेट में कण प्रतिकृति तकनीक क्या है? तो ये जो है आपका एक यह कृत्रिम रक्त के संश्लेषण संबंधित एक नई तकनीक है। सी ऑप्शन, नेत्रहीनों को लिखने के लिए कौन सा उपकरण सक्षम करता है? तो ये जो है आपका स्कैटोग्राफ जो है यह इसको सक्षम करता है नेत्रहीनों को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, सूर्य का अध्ययन करने के लिए या सूर्य की किरणों को चमकदार संकेत या चमकाकर संकेत देने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बालुआ समयक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, कौन सा प्रकाशिक उपकरण जिसमें रंगीन कांच के टुकड़ों के परावर्तन से पैटर्न उत्पन्न होता है ट्यूब को घुमाकर स्थानांतरित किया जाता है? तो ये आपका बहुरूप दर्शक है। क्या है? बहुरूप दर्शक है।
जब स्रोत विरामावस्था में प्रेक्षक की ओर गति कर रहा हो तब आभासी आवृत्ति क्या होगी, इसमें वृद्धि होगी। देखिए जो डॉपलर इफेक्ट है यह कहता है कि जब ध्वनि का स्रोत और प्रेक्षक एक दूसरे के अपेक्षाकृत निकट आ रहे हो तो स्पष्टता आवृत्ति बढ़ जाती है। आगे देखते हैं डॉपलर प्रयोग के सैन्य अनुप्रयोग क्या है। पनडुब्बियों के स्थान का पता लगाने में, पनडुब्बी रोधी हथियारों के नियंत्रण में, तब समुद्र की गहराई के मापने में, इन सभी में इसका उपयोग होता था। डी ऑप्शन ये सभी। लेजर संभावित ऊर्जा स्रोत हैं जिसका उपयोग किसके उत्प्रेरण के लिए किया जाता है। इसका उपयोग जो है वो संलयन प्रतिक्रियाओं के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कथन कारण का प्रश्न है। कथन है कि सभी सामग्रियों में प्रतिचुंबकीय प्रभाव मौजूद होता है, ये पूरी तरीके सही नहीं है। वही कारण अनुप्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र पदार्थ के संगठक इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति को बदल देता है, ये सही है। तो कथन गलत है, कारण सही, इसलिए आपका डी ऑप्शन आप जो है वो सही हो जाएगा। देखिए प्रतिचुंबकीय प्रभाव जो है सभी सामग्रियों में मौजूद होता है और सामग्री के बंद परमाणु गोले से जुड़ा होता है, लेकिन आमतौर पर अन्य चुंबकीय प्रभावों की तुलना में बहुत कमजोर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं कथन कारण का प्रश्न। कथन है कि विद्युत मशीनों के लिए कोर के निर्माण के लिए नरम चुंबकीय सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सकता है, ये कथन गलत है। कारण नरम चुंबकीय पदार्थों में अपेक्षाकृत छोटा और संकीर्ण हिस्टोरेसिस लूप होता है, तो कथन गलत है, कारण सही है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए पहले समझ लेते हैं कि नरम चुंबकीय सामग्री होती क्या है। तो ऐसे सामग्री जिनमें तेजी से बढ़ते चुंबकीयकरण वक्र अपेक्षाकृत छोटे और संकीर्ण हिस्टेरिसिस लूप होते हैं और परिणाम स्वरूप चुंबकीयकरण के प्रत्येक चक्र के लिए कम ऊर्जा हानि होती है, उन्हें नरम चुंबकीय सामग्री कहा जाता है। विद्युत मशीनों, ट्रांसफार्मर, विद्युत चुंबकों, रिएक्टरों, रिले आदि के लिए कोर के निर्माण के लिए नरम चुंबकीय सामग्री का उपयोग किया जाता है, इसलिए कथन जो है आपका गलत है, कारण सही है। लेजर सिद्धांत में एक फोटॉन किस प्रक्रिया द्वारा दूसरे फोटॉन का उत्पादन करता है, तो डी एक्साइट के सिद्धांत के द्वारा। आगे चलते हैं, अगला है स्पेक्ट्रोस्कोपी भौतिकी की वह शाखा है और उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण से संबंधित है। इसे किसके लिए या किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है, इसे जो है परमाणु और अणु दोनों के द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी भौतिकी की शाखा है जो परमाणुओं और अणुओं दोनों द्वारा उत्सर्जित और अवशोषित विद्युत चुंबकीय विकिरण से संबंधित है। अगला है एक जीवाणु कोशिका में अनियमित घने क्षेत्र जो एक एकल गोलाकार दोहरे फंसे डीएनए अणु द्वारा बनता है के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है, तो यह जो है आपका न्यूक्लियोटाइड के रूप में जाना जाता है। क्लोरोफॉर्म की खोज निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने की थी, इसकी खोज जो है 1847 में एडिनबर्ग में सर जेम्स यंग सिम्पसन ने की थी। ठीक है, किस रूप में, तो इनेस्थेटिक के रूप में क्लोरोफॉर्म के उपयोग की खोज की गई थी। क्लोरोफॉर्म का उपयोग विलायक के रूप में भी किया जाता है। आगे चलते हैं एक्सरे के बजाय अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है, क्योंकि एक्सरे कर सकते हैं किसकी, ये जो है मस्तिष्क कोशिकाओं को नहीं शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं, अर्थात बी ऑप्शन आपका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। देखिए निम्न में से छोटी आंत के किस भाग में पाचन उत्पादों का अवशोषण होता है, तो ये जो होता है इलियम अर्थात जो बिल होता है इसमें यहाँ पर अवशोषण होता है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है धूम्रपान, मसालेदार भोजन, मादक पेय, कॉफ़ी, चाय और तनाव के कारण क्या होता है, अल्सर नामक बीमारी हो जाती है। क्या हो जाती है, अल्सर हो जाता है। अल्सर तब होता है जब पेट का एसिड पाचन तंत्र की परत को नुकसान पहुँचाता है। अगला है निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं होते हैं लेकिन पाचन के लिए सहायक होते हैं, तो जो बाइल होते हैं अर्थात पित्त जो होते हैं ये ए ऑप्शन। आगे देखते हैं अग्नाशीय रस में निहित एक एंजाइम जो प्रोटीन को पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में विभाजित करता है, ये क्या है, ट्रिप्सिन है। क्या है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो हमें प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। आगे चलते हैं मुंह की संरचना जो भोजन को नाक गुहाओं में प्रवेश करने से रोकती है, तो ये क्या है, सॉफ्ट प्लेट। ठीक है, बी ऑप्शन आपका। एक चमकदार वस्तु के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यह एक ऐसी वस्तु है जो अपना प्रकाश स्वयं नहीं देती, ये कथन गलत है क्योंकि चमकदार वस्तु वह है जो अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती है। दूसरा, वह प्रकाश के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, सही बात है। तो पहला गलत है, दूसरा सही, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, प्रकाश का स्रोत पारभाषी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु, स्क्रीन।
तो छाया का निरीक्षण करने के लिए आवश्यक चीज़ें क्या है? तो देखिए, प्रकाश का स्रोत होना चाहिए, अपारदर्शी वस्तु होना चाहिए, स्क्रीन होना चाहिए। तो यहाँ 134 होना चाहिए, 134 जबकि ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ 134 होना चाहिए। आगे चलते हैं। दवाओं में संज्ञाहारी के रूप में प्रयुक्त यौगिक की जोड़ी कौन सी है? तो कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफॉर्म, बी ऑप्शन। अगला है, दलदली जगहों पर वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी है? तो मीथेन गैस। कौन सी गैस है? मीथेन गैस है। अगला है, निम्नलिखित की उपस्थिति में लगातार संपर्क में रहने के कारण पीतल जो होती है हवा में फीका पड़ जाता है, किसकी उपस्थिति के कारण? तो ये जो है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। देखिए, पीतल जो होता है जिंक और कॉपर का संयोजन होता है, लेकिन हवा में हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण इसका रंग फीका पड़ जाता है। अगला है, कथन कारण का प्रश्न है। कथन है, परिशिष्ट मानव शरीर में एक अवशेष अंग है, कारण यह पाचन में भाग नहीं लेता है। तो कथन कारण यहाँ पर दोनों सही है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, कथन कारण का प्रश्न है। कथन है कि भारहीनता का मतलब शून्य गुरुत्वाकर्षण है। सही बात है, शून्य गुरुत्वाकर्षण प्राप्त किया जा सकता है यदि प्रत्येक के गुरुत्वाकर्षण बल को केंद्र प्रसारक बल द्वारा संतुलित किया जाता है। तो कथन कारण दोनों यहाँ पर सही हैं और व्याख्या भी हो रही है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्राकृतिक विज्ञान जो निर्जीव पदार्थ से संबंधित है और जिस तरह से निर्जीव चीज़ें काम करती हैं उसे कहा जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान, ए ऑप्शन। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एनीमोमीटर हवा की गति, सही है। एमीटर विद्युत प्रवाह, ये भी सही है। टेकोमीटर दबाव अंतर, तो टेकोमीटर जो है एक प्रकार का थियोडोलाइट है जिसका उपयोग तेजी से माप के लिए किया जाता है और यह निर्धारित करता है कि इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रो ऑप्टिकल रूप से लक्ष्य की दूरी और एक मैनोमीटर दबाव के दो अलग अलग बिंदुओं के बीच के अंतर को यह मापता है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है ये सही नहीं है। तो देखिएगा, जो दबाव का अंतर कौन मापता है? टैकोमीटर नहीं बल्कि मैनोमीटर मापता है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पायरोमीटर उच्च तापमान को मापता है, तो यहाँ पर सी वाला सही नहीं है। अगला है, प्रयोगशाला थर्मामीटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? देखिए, आकार नैदानिक थर्मामीटर से बड़ा है, इसका आकार जो होता है वो नैदानिक थर्मामीटर जो डेली आप इस्तेमाल करते हैं उससे इसका आकार बड़ा होता है, सही बात है। रेंज 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होता है, नहीं, इसकी रेंज जो होती है -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान माप सकता है यह। तो यहाँ पर दूसरा वाला कथन गलत है। तीसरा, यह आकार में बेलनाकार होता, सही है, यह सही है। चौथा, इसमें सीधी कोशिका होती है, ये भी सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा अर्थात सी ऑप्शन जो है आपका वो सही है, दूसरा वाला कथन गलत है। और इसका आविष्कार जो है 1742 में स्वीडिश खगोल शास्त्री एंडर्स सेल्सियस ने किया था। आगे चलते हैं, नहीं इसका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं, सेल्सियस पैमाने के बारे में, सेल्सियस पैमाने की खोज जो है या इसका आविष्कार 1742 में स्वीडिश खगोल शास्त्री एंडर्स सेल्सियस ने किया था, ठीक है। तो इससे संबंधित जो प्रश्न है, यहाँ पे आपको तीन कथन दिए गए हैं। इसे एंडर्स सेल्सियस द्वारा डिजाइन किया गया था, सही बात है, अभी हमने पहले बात की। यह तापमान का एक मीट्रिक पैमाना है, ये भी सही है। इसे प्रयोगशाला थर्मामीटर कहा जाता है, नहीं, इसे प्रयोगशाला थर्मामीटर नहीं कहा जाता है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा सही है, तीसरा नहीं। आगे चलते हैं, अगला है, एथलीट फूट एक रोग है या निम्नलिखित में किसके कारण होता है? तो यह फंजी अर्थात कवक के कारण होता है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, कवक अर्थात डर्माटोफाइट्स की वजह से होता है। एक आदमी जो नहीं जानता कि कब खाना बंद करना है पीड़ित है किससे? बुलमिया नामक रोग से पीड़ित है। आगे देखते हैं, गठिया हमारे शरीर के जोड़ों में निम्नलिखित में से किस एक के जमाव कारण होता है? यूरिक एसिड के जमाव के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में सबसे बड़ा संगठक है? तो बायोगैस में सबसे बड़ा संगठक कौन सा है? ये है मीथेन। क्या है? मीथेन। देखिए, मीथेन का जो बायोगैस में हिस्सेदारी है वो 75% तक है। दूसरे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड है, 25% है, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जैसी अन्य गैसों के अंश भी इसमें होते हैं। अगला है, कथन कारण का प्रश्न है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ने से ध्रुवीय बर्फ पिघल जाएगी, सही बात है। कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़े हुए स्तर से तापमान में वृद्धि होगी। कथन कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रही है। आगे चलते हैं, कथन है यूरेनियम परमाणु संलयन प्रतिक्रिया से गुजर सकता है। तो कथन ये आपका गलत है, क्योंकि यूरेनियम जो है यूरेनियम परमाणु संलयन प्रतिक्रिया से नहीं गुजर सकता है,
ठीक है। कारण यूरेनियम एक बड़ा अस्थिर नाभिक होता है, तो कारण तो यहाँ पर सही है परंतु कथन जो है वो गलत है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। भोपाल गैस त्रासदी के समय कौन सी गैस निकली थी? इसे ये गैस जो थी मिथाइल आइसोसाइनेट थी। विटामिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो देखिए, विटामिन सी शरीर में संयोजी ऊतक बनाने के लिए आवश्यक है, सही है, पहला कथन आपका सही हो जाएगा। दूसरा, आंखों के रंग द्रव्य के संश्लेषण के लिए विटामिन डी की आवश्यकता है, ये सही नहीं है। तीसरा, विटामिन B12 RBC को परिपक्व होने में मदद करता है, ये सही है। चौथा, अंत से अवशोषित कैल्शियम का उपयोग, आंत से अवशोषित कैल्शियम का उपयोग करने के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है, ये सही नहीं है। तो यहाँ पर आपका पहला और तीसरा ही सही है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, एस्कार्बिक एसिड के बारे में कौन सा सही नहीं है? एस्कार्बिक एसिड के बारे में देखिए, यह एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि दिखाता, सही है। यह एक मजबूत अपचायक कारक है, यह भी सही है। यह कोलेजन के प्रोलिल और लाइसिल अवशेषों के हाइड्रोक्सीलेशन में शामिल है, यह भी सही है। डी, एक जीव का शरीर इसे संश्लेषित कर सकता है, ये गलत है। एक जीव का शरीर जो है एस्कार्बिक एसिड को संश्लेषित नहीं कर सकता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विटामिन डी का कार्य नहीं है? कौन सा विटामिन डी का कार्य नहीं है? कोशिका झिल्ली में लिपिड घुलनशील प्रति उपचायक जो है, ये विटामिन डी का कार्य नहीं है, ठीक है। विटामिन डी जो है ये एक वसा में घुलनशील विटामिन है, जो लंबे शरीर से समय से शरीर को कैल्शियम और फास्फोरस को अवशोषित करने और बनाए रखने में मदद करने के लिए जाना जाता है। बी, जीन अव्यक्त में बदलाव के बिना कैल्शियम अवशोषण को बढ़ाने के लिए तेजी से प्रतिक्रियाएं। जीन अव्यक्त में परिवर्तन संबंधित कैल्शियम अवशोषण को बढ़ाने के लिए धीमी प्रतिक्रियाएं। एडिपोसाइट्स के भेदभाव का विनियमन, ये सभी कार्य जो है विटामिन डी करता है। परंतु जो ए ऑप्शन वाला है, कोशिका झिल्ली में लिपिड घुलनशील प्रति उपचायक, ये कार्य जो है विटामिन डी का नहीं है। आगे चलते हैं, विटामिन के की कमी के कारण निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होगी? तो विटामिन के कारण जो है रक्त के थक्के के लिए समय में वृद्धि होगी, मतलब रक्त का थक्का जो है जल्दी नहीं जमेगा। विटामिन डी की कमी से निम्नलिखित में से क्या बढ़ेगा? विटामिन डी की कमी से क्षारीय फॉस्फेट की प्लाज्मा गतिविधि जो है ये बढ़ेगी। देखिए, विटामिन डी की कमी से हड्डियों के घनत्व का नुकसान हो सकता है, जो ऑस्टियोपोरोसिस और फ्रैक्चर में योगदान कर सकता है। बच्चों में यह रिकेटस का कारण बन सकता है। विटामिन डी की कमी से क्षारीय फॉस्फेट की प्लाज्मा गतिविधि बढ़ जाएगी। आगे चलते हैं, नियासिन की कमी से होने वाला रोग का नाम क्या है? नियासिन की कमी से होने वाला रोग क्या होता है? पेलाग्रा होता है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए कौन सा कोशिका अंग जिम्मेदार है? तो इसके लिए जो है गॉल्जी कॉम्प्लेक्स यह जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 59 में देखते हैं, एक सेल ऑर्गेनल जो पशु कोशिकाओं में मौजूद है लेकिन पौधे की कोशिकाओं में मौजूद नहीं है, मतलब जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है परंतु पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, तो यह है आपका सेंट्रोसोम है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका झिल्ली की वक्रता को बढ़ावा देती है? कौन सी कोशिका झिल्ली की वक्रता को बढ़ावा देता है? तो यह है आपका फॉस्फेटिडाइल इथेनॉलमाइन, तो डी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयन निम्नलिखित में से किसे बफर करते हैं? कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयन, तो ये जो है रक्त को 61 का सी। तो देखिए, कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयन जो है रक्त को बफर करते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन फुलमिनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है? तो बिजली कड़कने का अध्ययन जो है या बिजली गिरने का अध्ययन जो है फुलमिनोलॉजी के तहत किया जाता है, बी ऑप्शन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ के एक टुकड़े में बनी एक छोटी सी गुहा में पानी की एक छोटी मात्रा रखी जाती है, निम्नलिखित में से क्या होगा? तो इसमें होगा क्या,
पानी का तापमान शून्य हो जाएगा लेकिन यह जम नहीं पाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसे प्रथम इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धन उपकरण के रूप में जाना जाता है? तो ट्रायोड वैक्यूम ट्यूब को, ट्रायोड वैक्यूम ट्यूब को प्रथम इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धन उपकरण के रूप में जाना जाता है। अगला है कथन कारण का प्रश्न है, कथन है कि गैर धातु प्रकृति में विद्युतीय है, गैर धातु जो है ये प्रकृति में विद्युतीय है, सही है, कारण उनमें इलेक्ट्रॉनों को खोने की प्रवृत्ति होती है, ये कथन गलत है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, गैर धातु ऐसे तत्व होते हैं जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दौरान इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करके नकारात्मक आयन बनाते हैं, ये खोते नहीं हैं, इलेक्ट्रॉनों को उनको प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, ना कि खोने की। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, विग व्योर वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, निम्नलिखित में किस क्रम में इंद्रधनुषीय रंग हैं, किस क्रम में इंद्रधनुषीय रंग हैं? तो ये जो है तरंग दैर्ध्य में वृद्धि का क्रम होता है, ये तरंग दैर्ध्य में वृद्धि का क्रम होता है, वायलेट से रेड की तरफ जाएंगे तरंग दैर्ध्य में वृद्धि होती है। आगे चलते हैं, चलती कार की गति मापने के लिए निम्नलिखित में से किस तरंग का उपयोग किया जाता है, किया जा सकता है? तो इसके लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया जा सकता है, रेडियो तरंगों का। आगे चलते हैं, अगला है, समुद्र के पानी के नीले रंग के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारण है, कौन सा कारण है? तो पानी के अणु नीली रोशनी को बिखेरते हैं, ठीक है। देखिए, समुद्र नीला दिखता है क्योंकि लाल, नारंगी और पीला ये सभी लंबी तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश हैं, नीला जो रंग होता है लघु तरंग दैर्ध्य प्रकाश है, की तुलना में पानी द्वारा अधिक दृढ़ता से अवशोषित होते हैं, इसलिए जब सूर्य से सफ़ेद प्रकाश समुद्र प्रवेश करता है तो ज़्यादातर नीला ही वापस लौटता है और सब अवशोषित हो जाते हैं। आइशो पिनिकल शब्द को निम्नलिखित में से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो इसको जो है समान घनत्व वाले दो तरल पदार्थ के रूप में, समान घनत्व वाले दो तरल पदार्थ के रूप में इसको परिभाषित किया जा सकता है। कथन कारण का प्रश्न, कथन है कि नंगे पैर और खुले हाथों से एक संवाहक तार को छूना घातक है, क्यों? कारण इसका है, विद्युत प्रवाह शरीर से होकर पृथ्वी तक जाता है और एक परिपथ का निर्माण करता है और रक्त को जला देता है। कथन कारण सही है और व्याख्या भी हो रही, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डॉक्टर एस चंद्रशेखर द्वारा प्रतिपादित चंद्रशेखर सीमा निम्नलिखित में किसके द्रव्यमान की सीमा निर्धारित करती है? तो यह जो है यह आपका सफ़ेद बौना सितारा या सफ़ेद बौने सितारे के द्रव्यमान की सीमा निर्धारित करती है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के चश्मे में शेरियम और अन्य दुर्लभ चीज़ें होती हैं और इसमें पराबैंगनी किरणों का उच्च अवशोषण होता है? किस प्रकार के चश्मे में शेरियम और अन्य दुर्लभ चीज़ें होती हैं और इसमें पराबैंगनी किरणों का उच्च अवशोषण होता है? ये कौन सा है? क्रुक्स ग्लास में। तो ये धूप के चश्मे में प्रयुक्त पराबैंगनी विकिरण का उच्च अवशोषण करते हैं। आगे चलते हैं, कथन कारण का प्रश्न, कथन है लोहा कोबाल्ट और निकल लौह चुंबकीय हैं, लौह चुंबकीय हैं, सही है, कारण तीसरे बैंड में इलेक्ट्रॉनों को घूमना फेरोमैग्नेटिज्म के लिए जिम्मेदार है, ये गलत है। फेरोमैग्नेटिज्म के लिए जिम्मेदार तीसरे बैंड में इलेक्ट्रॉनों का स्पिन कारण सही नहीं है, इलेक्ट्रॉनों का स्पिन जो होता है वो चुंबकीय कण के लिए जिम्मेदार होता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन को ऊपर या नीचे इंगित किया जा सकता है। तो यहाँ पर कथन तो सही है परंतु कारण गलत है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, फोवोस और डीमोस निम्नलिखित में किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो ये मंगल के प्राकृतिक उपग्रह हैं। वहीं अगला है, सूर्य के प्रकाश में निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण टैनिंग और सनबर्न का कारण बनता है, कौन सा विकिरण जो है, ठीक है, तो ये पराबैंगनी किरणें होती हैं। देखिए, सूर्य की किरणों में दो प्रकार के पराबैंगनी विकिरण होते हैं जो आपकी त्वचा तक पहुँचते हैं, UVA अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी। अल्ट्रावायलेट बी विकिरण त्वचा की ऊपरी परत अर्थात एपिडर्मिस को जला देता है जिससे सनबर्न हो जाता है, जबकि जो अल्ट्रावायलेट ए होता है विकिरण वह जो लोगों को तन मतलब यह नुकसान नहीं करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 75 क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट किया। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।